वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9th इंग्लिश। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट को इस वर्कशीट में डाउट है कि क्वेश्चन इतने सारे दिए गए हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप सब लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग मतलब कि क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो इतने टिपिकल नहीं है। ठीक है, मोस्टली अगर आप लोगों ने ये वर्कशीट पढ़ी हो तो इसमें मोस्टली यही बताया गया है कि एक गर्ल के बारे में जिसका नाम मारिया था, ठीक है, उसकी हॉबीज़ एज क्या थी, वो कहाँ रहती थी, वो क्या लाइक करती थी, ठीक है, उसकी हॉबीज़ में उसे क्या क्या पसंद था, तो ये सब चीज़ें इन क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर करवाने वाला हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमें 61 के आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके आंसर करवाने वाला हूँ आप सब लोगों को। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि और वर्कशीट में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इनके आंसर आपको इतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो पूछा है अगर आप सिर्फ उनका ही आंसर दोगे तो आपके ये वन लाइन में या दो लाइन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, तो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपके 3 दिसंबर की वर्कशीट है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट। ठीक है, अपना वर्कशीट नंबर डाल लीजिए ऊपर नोटबुक के अंदर और डेट लिख दीजिए 3 दिसंबर की। ठीक है, क्लास अपनी डाल लीजिए और अपना नाम लिख लेना ऊपर और क्लास टीचर का नाम भी लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपसे जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है ऊपर टास्क वन। ठीक है बच्चे, सबसे पहले सब लिखेंगे टास्क वन ऊपर, यहाँ पे वर्कशीट नंबर सभी बच्चे डालेंगे, वर्कशीट नंबर 61। ठीक है, अपना आपकी इंग्लिश की नोटबुक है ही, आप डेली उसमें इंग्लिश की वर्कशीट करते आ रहे हो, तो आप लोग वर्कशीट 61 सभी बच्चे डाल लेंगे उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आप लोगों को टास्क वन लिखना है बस। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन उतारना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वाज मारिया सेंड टू द यूएस। ठीक है, मारिया को यूएस क्यों भेजा गया। ठीक है, सभी बच्चे उतारेंगे इसे फटाफट। ठीक है, सिर्फ इसमें ये पूछा गया है कि मारिया को क्यों भेजा गया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल वर्ड में देना है, ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है इसमें फोर। ठीक है, नीचे आंसर करके लिखना पड़ेगा सभी बच्चों को, ऐसे आंसर वन करके मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड, अगर आप थोड़ा सा भी डाउट हो किसी स्टूडेंट को मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, ऐसे आंसर करके सभी बच्चे लिखेंगे आंसर नंबर वन। ठीक है, फिर आपको इसके आगे कंटिन्यू करना है कि यहीं से लिखना है फोर हर टेनिस ट्रेनिंग। ठीक है, देखो एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई आपके ऐसे जो आपके चैप्टर वाइज हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखोगे। इसमें दिया गया 20 to 30 words। ठीक है, तो आप इसे अब देखो, मेन आंसर तो आपका ये हो गया फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसमें बताया गया 20 to 30 words के अंदर लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बस इसके आगे आप लोग ये जोड़ सकते हो बिकॉज मारिया सेंड टू द यूएस। ठीक है, आपका ये 20 to 30 words का बन जाएगा उसके आगे, तो ये चीज़ आप लोग लिखना सीखो। ठीक है, मतलब आप 9th क्लास में आ चुके हो तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए। देखो मैं लिखने को पूरा आंसर लिख सकता हूँ इसका, ठीक है, अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन वही है, लेकिन आप कैसे सीखोगे, आप अगर यूट्यूब पर और कहीं जाके देखोगे और सब वर्कशीट में आप लोगों को सीधा आंसर दिया हुआ और आप उसे उन्हें उतार लोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप कैसे लिखना सीखोगे, मेन आपका ये होता है, क्योंकि आपकी अभी आपकी जो पढ़ाई चली है वो एग्ज़ाम को लेकर चली है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो मैं आपको यही बताता हूँ, मेन जो इसका आंसर है फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग के लिए, उसको टेनिस की जो ट्रेनिंग देनी थी उसके लिए उसको यूएस भेजा गया था। तो ये तो मेन आंसर हो गया जो आपको पता है, लेकिन आपको लिखना कैसा है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ये लिख दिया फोर, तो आपको इसमें क्या ऐड करना है, आपको करना है मारिया सेंड टू यूएस बिकॉज फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। ठीक है, आपको ये ऐड करना, आपका ये 20 word का बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अभी के लिए आप अगर लिखना चाहो इतना लिख सकते हो फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। ठीक है, उसके आगे आप क्वेश्चन में से ही बिकॉज मारिया
ठीक है, क्वेश्चन में से ही आप यहाँ पे बिकॉज करके, बी बिकॉज, ठीक है, बिकॉज मारिया सेंट टू द यूएस, उसके आगे ठीक है इतना लिख सकते हो। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि एग्जाम में आप लोग कैसे लिखो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मार्क्स लाना बहुत इजी बात है, आराम से इंग्लिश के अंदर मार्क्स आते हैं, बस बच्चों को लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। देखो बस ये थोड़ा सा यहाँ से मैंने अलग से लिखा है टेनिस ट्रेनिंग के लिए, और सर आपको क्वेश्चन में से ही बनाना है, ठीक है, बिकॉज मारिया सेंट टू द यूएस फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब आपको लिखाना चाहिए। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके, ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तभी जाके सभी बच्चों को 10th क्लास के बाद अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप साइंस साइड ले सकोगे, ठीक है। मैं अपने चैनल पे ये बताता रहता हूँ कि आप लोगों को कैसे मार्क्स लाने हैं और आपको कैसे आगे साइंस साइड लेनी है और आगे आपको कैसे करियर बनाना है, नीट वगैरह करके MBBS करनी है, आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, आप सब ये भी देख सकते हो। वट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज, ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा कि उसकी हॉबीज क्या थी, बेसिकली यही पूछा, ठीक है। अब उसकी हॉबीज एक मैं कहने को तो देखो क्या था, उसमें दिखाया गया है कि उसकी हॉबीज क्या थी, सिंगिंग थी, डांसिंग थी, फैशन था, ठीक है, सी लाइक टू क्या थी, वो नॉवल्स पढ़ना भी उसे पसंद था, लेकिन वही आप लोग लिखोगे कैसे इसे, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग बिकॉज मारिया सेंट टू द यूएस, बस ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखोगे कि इसमें कहा गया है कि उसकी हॉबीज क्या थी। अब मैं उसकी सिर्फ हॉबीज लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा आपको लिखना कैसे करके, ठीक है। आपने पोएम पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, तो आपने देखा कि उसकी हॉबीज थी सिंगिंग, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सिंगिंग, डांसिंग, फैशन एंड करके, ठीक है, रीड नॉवल्स, ठीक है, किसकी नॉवल पढ़ती थी, ऑफ AOYLE, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इसको आपको लिखना कैसे आना चाहिए, ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे क्या ऐड कर देंगे, उनकी खाने में क्या पसंद था, ठीक है, हॉबीज और खाने में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप YouTube पे और वीडियो देखोगे तो आपको उसमें क्या लिखवाया गया है, मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर को बड़ा करने के लिए उन्होंने 20 से 30 वर्ड करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी कि उसको क्या है, मतलब कि चॉकलेट खाना पसंद है, ठीक है, ऑरेंज ड्रिंक पसंद है, तो ये चीज़ उसकी हॉबीज़ में नहीं आती, ठीक है। उसमें अगर पूछा होता कि उसे खाने में क्या पसंद है, ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, लाइक टू डू हर हॉबीज़, मतलब उसे हॉबीज़ में क्या करना पसंद था, क्या खाना पसंद नहीं था, ठीक है, लाइक टू ईट, ठीक है, वो क्या खाना पसंद करती थी। अगर ये खाने में आता तो खाने की चीज़ लिखनी होती आप लोगों की, उसे केक खाना पसंद था, ठीक है, और उसे ऑरेंज ड्रिंक पसंद थी, तब आता है। लेकिन मोस्टली आप यूट्यूबर्स को और देखोगे और वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे तो आप लोगों को आंसर यही लिखवाया गया, ठीक है। तो मोस्टली आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो से, बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आज आपने पूरी देख ली तो आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना अच्छा सीख जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश के अंदर, 90+ ही आने हर स्टूडेंट के, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मेन हॉबीज़ के बारे में लिखना है, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन एंड रीड नॉवल्स ऑफ ऐसी डोवेस, ठीक है। तो मैंने आपको यह, अब इसको बड़ा कैसे करना है, ठीक है, अब आपने ये हॉबीज पता लगी तो आपको लिखना है मारिया लाइक टू डू हर हॉबीज एस, ठीक है, एस करके इसके आगे सभी बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मारिया लाइक टू डू, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज एज सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग, फैशन एंड रीड नॉवल्स ऑफ ऐसी, बस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। अब इसमें खाने की बात नहीं निकली किसी स्टूडेंट को, जो पूछा है उतना ही लिखिए, एग्जामिनर जो चेक करता है वो इसी बेसिस पर नंबर देगा, जो पूछा है उतना लिख दिया, ठीक है, वैलिड। अब इसमें आप खाने की चीज़ भी ऐड कर दोगे तो वो उसकी ह॑ॉबीज में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004, 2004 में उसकी क्या अचीवमेंट थी जो मारिया को मिली गई थी, ठीक है। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन उतारेंगे, पहले सभी क्वेश्चन उतार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उतारने से आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है।
अब देखो इसमें सिर्फ पूछा है 2004 के बारे में, अगर आप पूरी पढ़ोगे तो उसमें 5 का भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 4 का बताना है, वही एक्स्ट्रा लिखोगे तो टीचर मार्क्स नहीं देगा, ठीक है, वो इरिटेट और हो जाएगा, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ इसमें क्या लिखना है, थर्ड में बनाना है आपको, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004 में, 2004 की अचीवमेंट बतानी है, ठीक है। इसमें सभी बच्चों ने क्वेश्चन बता लिया, सब कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं, अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, ठीक है। ठीक है, सी वॉन स्पेशल अचीवमेंट पूछी है, तो इसमें सी वॉन ग्रैंड स्लैम, टाइटल एट विम ब्लेडॉन, ठीक है। सभी स्टूडेंट ये लिखेंगे, व्हाट वर मारियास स्पेशल अचीवमेंट इन 2004, तो इसमें आप लोग लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मारिया से, ठीक है, यहाँ पे मारिया से, मारियास स्पेशल अचीवमेंट इन 2004, सी वॉन ग्रैंड स्लैम टाइटल एट विम्बलेडन, ठीक है। अब फोर की पूछी है सिर्फ, ठीक है, काफ़ी आप देखोगे कहीं और पे आपको 5 के लिखवा दिए, क्यों लिखवाई, क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, पर उसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप मारिया से यहाँ तक भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले, एक नंबर कोई नहीं काट सकता आपका, ठीक है स्टूडेंट, मारिया से लेके आप यहाँ तक का पूरा लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसे रफ करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियास फादर इन शेपिंग हर कैरियर इन टेनिस, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे नीचे लिखवा दूंगा, आंसर नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे सभी मैं डाल देता हूँ आंसर नंबर 4, ठीक है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि उसके फादर का क्या रोल था उसके कैरियर के अंदर टेनिस वाले में, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया था, एक तो अपनी अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस किया था कि वो उसे अलाउ कर दे जाने के लिए, ठीक है, दूसरा उसे मोटिवेट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे यहाँ से लिखेंगे द रोल ऑफ, ठीक है, ये सब आपको ट्रिक आनी चाहिए, सभी बच्चे एग्जाम में आपको ट्रिक आनी चाहिए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है वर्ड्स बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे द रोल ऑफ मारिया फादर इन शेपिंग हर टेनिस, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे यहाँ से, ठीक है, मैं बताता हूँ, फोर एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे मोटिवेट टू हर फोर जॉइन, ठीक है, फोर हर जॉइन टेनिस एंड एंड सैक्री हिज वाइफ, ठीक है, यहां से लेके बस द रोल से लेके यहां तक का। अब देखो ये सब आपको क्वेश्चन में से ही मिल गया, ठीक है,
ये सब आपको द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग इन हर कैरियर इन टेनिस मोटिवेट टू हर, ठीक है, फॉर जॉइन टेनिस एंड सेक्रीफाइस हिज वाइफ, उन्हें अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस किया था कि इसे सीखना चाहिए, और दूसरा उसको मोटिवेट किया था ज्वाइन करने के लिए क्योंकि वो अच्छी थी खेलने में, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन टास्क वन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर तक, ठीक है, सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लिया, तो मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए जिसको भी टाइम लग रहा है नोट डाउन करने में, ठीक है। तो आज आपको मैं मोस्टली दो बहुत सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग देख के तो कहीं भी लिख सकते हो, पर मोस्टली यही है कि आप लोगों को कैसे आना चाहिए, ठीक है। टास्क टू पे चलते हैं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे टास्क टू उसके नीचे, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर एक नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी फास्ट। देखो ठीक है सभी बच्चों ने उतर लिया, इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, मारिया के हिसाब से उसको सक्सेसफुल होने में ऐसा क्या उन्होंने पाया कि वो सक्सेसफुल हो गई किस चीज़ की वजह से, ठीक है। एक तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे आंसर नंबर वन, ठीक है, टास्क टू का, ठीक है, ठीक है, बाय यहाँ लिखेंगे बाय हर स्प्रिट, ठीक है, ऑफ कॉम्पिटिटिव नेस, टू कीप मूविंग सभी बच्चे पहले इतना लिखेंगे, ठीक है, एंड सी वर्क वेरी हार्ड, सी वर्क वेरी हार्ड एच ए आर डी, ठीक है। अब देखो इसको क्या 40 वर्ड्स का बनाना था, तो इसमें क्या लिखा आप सब लोग को अकॉर्डिंग टू से लिखना है, अकॉर्डिंग टू से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू से अब आपको लिखना आना चाहिए। अब आपने देखा क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्या था, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा व्हाट हटाना है, क्योंकि व्हाट कभी आंसर के आगे नहीं लगाना हमें, अकॉर्डिंग टू मारिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मारिया से लेके ये, फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है सभी बच्चों को यहाँ से, यहाँ से बाय से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मारिया बाय हर स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, टू कीप मूविंग अहेड एंड सी वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, फिर यहाँ से काट के वट काट के यहाँ पे आपको टू लगाना है, टू करके फिर सभी स्टूडेंट यहाँ से ये लिखेंगे, ठीक है, टू के बाद से हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल, आपका 40-50 वर्ड तक ये हो गया और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर। अब आपको लिखना आ गया, ठीक है, मेन चीज़ आपको ये थी कि आप उसने कम्पिटिटिव स्पिरिट उसकी अपने अंदर से आत्मा को जगाया और उन्हें बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन सबका कंप्लीट हो गया होगा, होप करता हूँ, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें दिया गया व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस हिज मैड, ठीक है, उसको अपनी सेक्रीफाइस के बारे में मारिया ने क्या कहा था, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर टू उतार लीजिए पहले,
है, अब देखो सभी बच्चे क्या करेंगे, फिर मैंने आपको बताया लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। मारिया से स्टार्ट करना, ठीक है, मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस सी हैड मेड, ठीक है, टू, ठीक है, टू टू हर चाइल्डहुड, ठीक है, लक्सरीज फॉर बिकम अ टेनिस स्टार, टेनिस स्टार, ठीक है। आप लोगों को इतना लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखोगे आपने क्या किया, क्वेश्चन से ही यहाँ से लिखा है, मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस सी हैज मेड टू हर चाइल्डहुड लक्सरी फॉर बिकम अ टेनिस स्टार, ठीक है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो अगर थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। वो क्या था, सी रिमेंड अलोन एट द एज ऑफ 9, ठीक है, 9 एज तक वो अलोन रही थी, ठीक है। ठीक है, और लिख लेते हैं अगर लिखना हो तो, इसके बाद का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सी रिमेंड ऑल अलोन, ठीक है, ALONE, ठीक है। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके स्टूडेंट उतार लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 उतारेंगे सभी बच्चे। व्हाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रशिया, तो इसके आगे देखो अब आपको क्या करना है। अब यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करना सभी बच्चों, क्वेश्चन में से ही लेना है आपको फिर से, मारिया वांट्स टू प्ले और मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रसिया फॉर फॉर देखो एक सेकेंड फॉर काट दीजिए बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिखना है क्योंकि आपको बताना है ना, बिकॉज सी इज रशियन, ठीक है, एक तो आपका ये आ जाएगा, सी इज रशियन। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, सी इज रशियन, आर यू डबल एस आई ए एन, ठीक है, बिकॉज सी इज रशियन, ठीक है, एंड शी शी इसके आगे यहाँ से सी वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट रशिया इन ओलंपिक्स, ठीक है। अब आपको क्या, मैंने वही बताया क्वेश्चन में से ही, ठीक है, मारिया वॉन्च टू प्ले टेनिस फॉर रसिया, ठीक है, बिकॉज सी इज रशियन, एक तो वो रशियन थी, सी वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट रसिया इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स रशिया को वो ओलंपिक्स के आगे रिप्रेजेंट करना चाहती थी, इसलिए उसने टेनिस खेला फॉर रशिया के लिए, ठीक है। तो ये भी आंसर आपको कंप्लीट हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपका छूट भी जाता है थोड़ा सा बैक करके आप लोग लिख सकते हो, और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या गया, हाउ डिड मारिया शारापोवा लर्न क्वाइट अर्ली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंट वुड
ओनली कम एट अ प्राइस। नोट डाउन करिए सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे वाला क्वेश्चन। ठीक है सभी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मार गया सारा पावर लर्न क्वाइंट अर्ली इन लाइफ दैट टेन इज एक्सलेंट वुड ओनली कम एट प्राइज। ठीक है प्राइज से आप लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है इन द यूएसए। ठीक है मार गया फेस A heart, 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 branching, 2 years separation from her mother, 2 years. 2 years separation. From her mother. फिर आगे लिखना है एंड सी वाज नॉट इशू वीजा। ठीक है सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो फाइनली आपको थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसके अंदर। ठीक है क्योंकि आंसर पूरा बताना था जो उसमें पूछा था। तो आप लोग मारिया से स्टार्ट करेंगे मारिया सारा पावर। ठीक है यहाँ से पूरा एंड तक प्राइस से लेके फिर यहाँ तक इन द यूएस मारिया फेस अ हार्ट ब्रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एंड शी वाज नॉट इशू वीजा। ठीक है टास्क 2 कंप्लीट हो गया। टास्क 3 पे चलते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पोस्ट करके। ठीक है टास्क हम लोग इस पे चलते हैं 3 पे। सभी बच्चे टास्क 3 लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। हैव यू रीड अबाउट लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सरोवर लेट अस ड्रा अ कंपैरिजन बिटवीन लीव्स हेड बाय दिस टू इंस्पायर। ठीक है दोनों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संतोष यादव के बारे में। ठीक है संतोष यादव के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे नीचे द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव। ये हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। ठीक है मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हेडिंग डालिए द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव। ठीक है फिर आपको उसके आगे उसके नीचे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़। ठीक है वो आपको उसके नीचे लिखनी है जो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा अभी। ठीक है सबसे पहले आपको लिखना है 1 नंबर डाल के। ठीक है फर्स्ट वुमेन
फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। हाँ इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट, टू हैव क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ठीक है, आपका एक ही हो गया। फिर इसके नीचे सेकंड करके लिखेंगे, ऑफिसर इन इंडो टिबेटन टिबेटन बॉर्डर पुलिस बॉर्डर पुलिस ठीक है। वो माउंट एवरेस्ट पे पहली लेडीज थी वर्ल्ड के अंदर जो गई थी, क्लाइम्ब की थी उन्हें, और सेकंड में ऑफिसर इन इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ठीक है। ये दो पॉइंट आप लाइफ और सन लाइफ द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव के लिए लिखेंगे, ये दो लाइन सभी बच्चे लिख लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब आते हैं हम लोग इस पे ठीक है। सभी को ये लिखना है ठीक है, इसको कट करके ये लिखना है लाइफ जर्नी ऑफ इसकी मारिया शारापोवा। जल्दी हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो इसके मैं आपको लिखना है ऊपर करके, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर वन डाल के, नंबर टू ठीक है, दो आपको लिखने हैं इसके भी पॉइंट, सबसे पहले आपको लिखना है रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंड वॉन ओलंपिक सिल्वर मेडल। तो इसमें ही आपके दो पॉइंट बनेंगे। फिर आप सेकंड में लिखोगे सी एज वन फाइव ठीक है, फाइव ग्रैंड स्लैम्स, ग्रैंड स्लैम्स ठीक है। आपको ये दो पॉइंट लिखने हैं इसमें, इसकी हेडिंग डाल के ये दो पॉइंट आपको ऊपर लिखने हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन भी आपका कंप्लीट हो गया, टास्क थ्री का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका इस पूरे वर्कशीट का ठीक है। आज आपको उम्मीद करता हूँ कि लिखना आया होगा, हम लोग कैसे लिख सकते हैं किसी क्वेश्चन को ठीक है, बड़ा करके अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो ठीक है। अब आपका दोनों मिला के ये 100 वर्ड तक का आराम से हो गया होगा ठीक है, जो मैंने दोनों लिखवाया। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक।
है, इसमें क्या कहा है, डिजाइन अ सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल लाइक हर टू आस्क। तो आपको क्वेश्चन तैयार करना है इसके लिए। तो हम लोग कितने क्वेश्चन तैयार करते हैं, चलो 5 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचवा मैं पहले 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, फिर रफ कर दूंगा, फिर 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे, व्हाट इज द, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक इन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि पहले लाइक और डिसलाइक पूछोगे। व्हाट डू यू मोस्ट लाइक, ठीक है। फिर सेकंड में व्हाट डू यू डिसलाइक, कि किसी से भी आप पूछो, मिलोगे तो पूछोगे ना कि तुम्हें, मतलब तुम्हें पता ही है उसका नाम वगैरह, तो फिर पूछोगे क्या आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं पसंद करते, ठीक है। कहता है एक कार्टून में 50 एम्पलीफायर, 40 में, 40 बेस्ट मोमेंट पूछोगे, पावर वाले कार वाले डाल दिया, व्हाट इज चीज आए हैं। बेस्ट मोमेंट हर इतनी जाएगा ऑन आ टेनिस हाँ कोर्ट, ठीक है। सबके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 कंप्लीट हो गए, 3 आप लोग उतार लीजिए। मैं रफ करने जा रहा हूँ, 3 आप लोग उतार लीजिए, फिर लास्ट के 2 बताऊंगा। ठीक है, मैं 2 बताने जा रहा हूँ, 1 4 1 4 1 5, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे पूछेंगे कि तुम्हें दूसरों में क्या अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग लिखोगे व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर लाइक मोस्ट इन अदर पीपल, और फिर 3 रुपये एक्स्ट्रा डालू इसका दो रहूंगा 15 पीस। फिर लिखेंगे लास्ट में व्हाट हैज बीन योर वर्स्ट मोमेंट, ठीक है। जैसे हमने बेस्ट मोमेंट पूछा था, ऐसे वर्स्ट मोमेंट पूछेंगे। तो फाइनली आपके ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ही बता देते, डिजाइन ए सेट ऑफ क्वेश्चन वुड यू लाइक टू हर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, वर्कशीट नंबर 61 फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ इसमें लिखना भी आया होगा कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को लिख सकते हैं। आपको ऐसे ही अगर और चीज़ें सीखनी है और आपको देखना है कि हम कैसे मार्क्स अच्छे ला सकते हैं 9th टू 10th क्लास में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।